अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और अभी जो है मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। अभी तकरीबन हुआ था 10:30 इस तरह का टाइम हुआ है अभी, और मैं बनाने लगी हूँ आलू और रोटी के साथ, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है ना हम एग खा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा था आज जो है ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ और आलू बना लूँ। बाय द वे, यहाँ के आलू बहुत बहुत अच्छे हैं। एक तो बहुत बड़े हैं और अंदर से जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी है। कभी कभी हमारे पास इस तरह आता है ना, जब सीज़न होती है तो आलू बहुत अच्छे होते हैं, और जब सीज़न ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास जो स्टोर वाले आते हैं ना, वो इतने ख़ास नहीं होते। सो कभी कभी यू नो एक ज़्यादा मीठी होते हैं, या तो फिर जब आप बनाओ ना या तो जल जाते हैं, या तो बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल नरम सॉफ्ट सी पता नहीं अजीब से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो आलू है ना, आई डोंट नो कहाँ की है, लेकिन है तो बहुत अच्छी और बहुत बड़े थे और अंदर से बिल्कुल वाइट और क्रिस्पी थी। इस तरह कहते हैं ना, इसमें अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा था, तो इस टाइप के बहुत अच्छे थे आलू ये। तो बस वो आलू मैंने बना के और फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ जो हुआ था शाम का टाइम और मेरा मूड था कुछ स्वीट खाने का, तो ये चॉकलेट पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा चल इसको मैंने जो है ना टेस्ट करूँ। इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है और थोड़ा सा क्या कहते हैं नट की तरह जो है ना वो है, और एक चीज़ थी जो ब्लैक कलर की, वो मुझे इसका नाम नहीं आता, तो वो भी इस चॉकलेट में थी, था तो बहुत टेस्टी। लेकिन मैं अभी एक वॉइस ओवर करना तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाहर से भी पिक्चर लगी हुई थी ना, तो उसमें ये पिक्चर थी कि इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ हैं। अच्छा, जो ब्लैक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही ना, इसका नाम पता नहीं क्या है। एनीवे, तो बस वो मैंने खा के थोड़ी देर के बाद जो है ना भाभी ने चाय बनाई, और यहाँ जो मैं चाय पीने लगी हूँ, और चाय के साथ साथ जो है ना थोड़े से वीडियोज़ एडिट करूँगी, क्योंकि मेरा प्लान है कि कल या परसों जो है ना ताइफ जाने से पहले मैं अपना लैपटॉप दे दूँ, क्योंकि कुछ दिन लगेंगे इसको सही करने में। लास्ट व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, आई गेस लास्ट व्लॉग था जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अपना लैपटॉप देना है, पता नहीं मुझे याद नहीं मैंने आप लोगों को बताया था ये बात या नहीं। खैर, मैं अभी जो है ना वॉइस ओवर करना, तो मुझे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की है या नहीं। अच्छा, 2 दिन पहले जो है ना हम लेकर गए थे लैपटॉप को पूछने के लिए, क्योंकि किस तरह का यू नो ठीक होगा और क्या इश्यू है इसका, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है ना वो नॉर्मली चल रहा है, पर उसके जो वॉइस है ना स्पीकर्स वो नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़े से यू नो देखने में उस तरह के इश्यूज़ है। एनीवे, तो फिर जो है ना हम सिर्फ पहुँच के वापस आ गए थे घर, और इंशाल्लाह कल अगर हम ताइफ जाएंगे ना, तो जाने से पहले हम वो लैपटॉप दे के जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ दिन लगेंगे ताइफ में। सो जब तक हम वहाँ होंगे ना, तब तक लैपटॉप भी सही हो जाए। सो इसलिए मैं कोशिश करूँ अपनी व्लॉग जो है जल्दी जल्दी एडिटिंग करूँ और अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि मोबाइल में एडिटिंग करना थोड़े से मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है ना। सो बस अब आदत हो गई है लैपटॉप के, तो इसलिए अब मोबाइल से जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो विल सी अगर मैं एडिटिंग कर पाऊँगी मोबाइल में या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना फॉर नाउ मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी व्लॉग्स मैं अपलोड कर दूँ, और फिर जो है ना शायद ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एनीवे, तो यहाँ जो है हम आ गए हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉप है, और थोड़ा सा जो है ना मुझे कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, जो मैं इंशाल्लाह अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाऊँगी। तो मुख्तलिफ डिफरेंट शॉप्स को मैं देख रही हूँ, प्राइजेस भी चेक कर रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे चाहिए उसकी भी लिस्ट मैंने बनाई है। सो मैं चेक भी कर रही हूँ ऑनलाइन और शॉप्स पे, यू नो जब अच्छी सी डील अच्छी सी ऑफ़र मिल जाते हैं ना, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है। और ये जो शॉप है इसका नाम है लूलू, और यहाँ जो है मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई थी। सो विल सी कि मिलूँगी या नहीं। एक आयरन स्टीमर आयरन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, फ़िलिप्स कंपनी का था। सो मुझे जो है ना वो चीज़ बहुत पसंद आई थी यहाँ। अच्छा, यहाँ जो है ना एक और मुझे चीज़ ये पसंद है कि देखो ये मसाले और क्या कहते हैं दालें जो होती ना, किस तरीके से इन लोगों ने सेटिंग करके रखा था। मुझे जी ने ये बास्केट और कवर के साथ मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सो मैंने सोचा चलो इसके जो है ना मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ किस तरह की सेटिंग से रखे हुए हैं। अच्छा, जो शुरू में रखे हुए थे ना तो वो उसमें थे पहले मसाले, और उसके बाद दालें थी, उसके बाद जो है ना आगे खजूर वगैरह रखी हुई थी। जो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो खजूर वाला साइज था जो शुरू में था ना, वो शायद उसके मैंने व्लॉग बनाया नहीं। मेरे साथ जो है ना इस तरह की सीन हो जाते हैं जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ या शॉपिंग पे जाती हूँ ना, तो फिर मैं जो है ना कैमरा उठा के बिल्कुल भूल जाती हूँ, और सकून से शॉपिंग करके उसके बाद याद आता है कि मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है।
एनीवे तो यहाँ जो है इस तरह का लुक लाइक है, ये मार्केट बाहर से लोलो हाइपर सुपरमार्केट है ये, और बस अब हम जा रहे हैं, निकल रही है यहाँ से। यहाँ जो है मैं अपना लैपटॉप जो है ना खाली कर रही हूँ, जो वीडियोस वगैरह जो भी चीज़ें मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में इश्यूज़ है। तो मैं इंशाल्लाह आज निकल जाऊँगी सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। इसके आईओएस जो है ना उसमें थोड़ा सा इशू है, सो इंशाल्लाह आज शाम को जो है ना मैं ले जाऊँगी इसको सही करने के लिए, जहाँ से हमने लिया था ना उस वहीं से हम सही करवाएँगे इसको, क्योंकि स्टिल इनकी वारंटी है और इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सो बस अभी जो मैं इसको खाली कर रही हूँ, अभी आफ्टरनून का टाइम है 2:17 हुए, और एक वीडियो जो है ना मैंने यहाँ रखी हुई है अपलोडिंग पे, तो वो अपलोड हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ये मेरा काम भी हो जाएगा साथ में। सो इंशाल्लाह बस टिकटॉप ही सही हो जाए ना। एक मैं इसलिए स्पेशली लेकर आई थी इसको पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे इसको जो है ना ठीक करवाना था। सो बस इंशाल्लाह सही हो जाएगा ये। यहाँ जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे लैपटॉप को मैंने खाली कर लिया है। लैपटॉप जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एक्सटर्नल को, सो मैंने जो है ना यूएसबी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो इतने स्पेस वाली नहीं थी, लेकिन खैर कुछ वीडियोस जो इंपॉर्टेंट थी ना मैंने उसमें शिफ्ट किए थे, और जो कुछ वीडियोज़ हैं ना मैंने अपने मोबाइल में शिफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थी, कुछ मेरे व्लॉग से थी, कुछ मेरे मेमोरीज़ क्या कहते हैं अच्छे से वीडियोज़ जो है ना जो यादगार होती ना इस टाइप की थी, तो वो मैंने सारी जो है ना मोबाइल में शिफ्ट कर ली। 300 की ज़्यादा GB की वीडियोज़ थी, सो मैंने काफ़ी कुछ USB में डाला है और काफ़ी कुछ मैंने मोबाइल में शिफ्ट किया है। सो होपफुली ये काम अब लैपटॉप का जल्दी हो जाए कि मैं सारी चीज़ें दोबारा वापस लैपटॉप में शिफ्ट कर लूँ, वरना मेरे लिए थोड़ा सा व्लॉगिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास इतनी मेमोरीज नहीं है कि मैं वीडियोस और भी बना सकूँ। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना कोशिश करती हूँ हाई क्वालिटी की हो, जैसे कि 4K या इस टाइप की हो, सो उसमें जो है स्पेस और भी ज़्यादा चाहिए होता है। सो बस अब उम्मीद पे दुनिया कायम है कि हो सकता है मेरे लैपटॉप आज सही हो जाए, हो सकता है कुछ दिन लग जाए। ओके, तो यहाँ जो है हम अक्तबजर में आ गए थे, जहाँ से हमने लिया था, तो उन्होंने बताया था कि इनकी दूसरी ब्रांच है जहाँ एप्पल सर्विस है, तो वहीं से हमें सही करवाना है। सो फिलहाल शायद आज हम उस तरफ ना जाए, और आज जो है ना प्लान ये है कि शाम का टाइम हो चुका है, तो हम जो है ना जा रहे हैं एक पार्क पे, और मेरे पास थोड़ा सा और भी टाइम है कि मेरे लैपटॉप में जो थोड़े से फ़ोटोज़ हैं वो मैं निकाल दूँ, क्योंकि मैंने फरना सिर्फ वीडियोस को निकाले थे जो इम्पोर्टेंट थे, तो मेरे पास अब थोड़ा सा और भी टाइम है कि मैं जो है ना फ़ोटोज़ जो है ना वो भी शिफ्ट कर लूँ मेरे मोबाइल में।
نفسك انت. ये थी कुछ सीन्स इस पार्क के, बहुत खूबसूरत सा था। इसमें वॉक करने के लिए जगह थी और उसके साथ साइकिल चलाने के लिए प्ले एरिया भी था किड्स के लिए, और काफ़ी किस्म की गेम्स थी, छोटे थे बड़े थे। सो और अच्छी बात ये थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। एनीवे तो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।